हेलो दोस्तों, मैं हूं स्टार और आप देख रहे हैं स्टार्स गेमिंग। चलिए दोस्तों, खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 2019 इस इंट्रो के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आज मैंने बहुत कोशिश करी वीडियो बनाने की, लेकिन भाई मेरे पड़ोस में जो मकान बन रहा है उन्होंने ड्रिल मशीन लगा रखी थी सारा दिन यार, वो धर 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 करते रहे भाई, कोई वीडियो नहीं बन पाया। तो हमारा खेत भाई हो गया है, मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि हमारा सोयाबीन का और घास का खेत दोनों हो गए हैं तैयार। तो अब हमें बनानी है, उसको काटना है और बेल बनानी है। तो भाई अपने इसमें जाएंगे बड़े वाले, और मैंने भाई यहाँ पे शेड एक हटा के और दो तीन शेड और लगा दिए ताकि सामान बहुत ज़्यादा है, और साइलो को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया था। साइलो थोड़ा आगे ले गया हूँ तो उसको भी मैंने थोड़ा सा हटा दिया है वहाँ से। तो अपने हेडर को लेंगे, अपने हार्वेस्टर को लेके चलेंगे भाई वहाँ पे, और इसको कर लेंगे अटैच। तो भाई हो गया है हमारा, ये है भाई, ये बहुत बड़ा है, इसकी कैपेसिटी 2 लाख की है। तो इसके लिए हमें कोई पास ही साइलो भी है तो ट्रक की वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो पास ही इसको काटेंगे जल्दी से। और भाई काट के 2 लाख की कैपेसिटी है, तो हमारी साइलो की कैपेसिटी है 4 लाख की, तो हो सकता है कि साइलो की एक और ज़रूरत पड़े। अब देखना होगा कि ये खेत हमारा जो है बहुत बड़ा है, तो ये कितना माल इसमें होगा, कितने किलो देखते हैं भाई, अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। तो इसको एक ये अटैच होगा इधर से, इसको यहीं पे रखते हैं, ओके, इसको कर देंगे डिटैच और इसको लगाएंगे उसके आगे, अटैच कर देंगे इसको भाई, इसको कर देंगे अनफोल्ड और इसको ले आएंगे पीछे, चल भाई लग जाए। ये भाई नया खेत है, हम पहली बार इसकी कटाई करने लगे हैं अपने खेत की, पहली फसल लगाई है हमने सोयाबीन की। अरे बी से कर देंगे नीचे और भाई बी से कर देंगे ऑन, ओके ओके। अरे वो हार्वेस्टर को भी अनफोल्ड करना था तो उसको अनफोल्ड करना भूल जाता हूँ कई बार, तो ये हो गया अनफोल्ड, इसको करेंगे अब ऑन। तो यहाँ पे लगा देंगे एक हेल्पर, ठीक है, तो हमारा हेल्पर आ गया। अरे एक मिनट देखिए, एक मिनट, स्ट्रॉ बनानी थी स्ट्रॉ, क्योंकि ये स्ट्रॉ बनाने के लिए भाई कोमा दबा देंगे। क्यों भाई स्ट्रॉ क्यों नहीं बनती, सोयाबीन की स्ट्रॉ नहीं बनती यार, अनेबल, स्ट्रॉ आर नॉट अवेलेबल फॉर करंट फ्रूट टाइप। अरे यार इसकी तो अच्छा, वो वीट की और बार्ले की बनेगी भाई, ओहो, तो मैंने तो वीट का खेत काटा था भाई, उसकी भी नहीं बनाई। चलो अब तो इसको काटना तो पड़ेगा ही, चलो भाई काटो इसकी। यार भाई पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी खेती के बारे में, किसकी स्ट्रॉ बनती है किसकी नहीं बनती। भाई इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है देखो। चलो इस खेत को जब तक ये काट रहा है हम चलते हैं घास का खेत काटेंगे भाई अपने ट्रैक्टर, इसमें नहीं इसमें से उतर जाएंगे। और घास के लिए भाई वो है हमारा, हमारे पास वो है, तो ट्रैक्टर हमारे पास खड़े हैं दो, इसको ले लेंगे। और घास काटने के लिए हमें चाहिए वो, सामने खड़ा है मोवर, तो मोवर को अटैच करेंगे इसके साथ,
पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं एक बार। और अरे ये पलट क्यों रहा है भाई, पलट क्यों रहा है? इसको लगाएंगे भाई पीछे। और इसको ले चलेंगे भाई अपने उस खेत पे। देखते हैं, आज पहली बार घास काटने वाला हूँ मैं, देखता हूँ कैसे कटेगी। आगे यार वेट भी नहीं है, वेट होना चाहिए था। चलो एक वेट, मेरे पास दो थे वेट, मैंने बेच दिए। तो अभी घास काटते हैं थोड़ी, देखते हैं भाई घास कैसे कटती है। यार मुझे मालूम नहीं था कि ये सोयाबीन की स्ट्रॉ नहीं बनेगी, तो फिर स्ट्रॉ तो बनानी पड़ेगी। चलो पहले घास की बनाते हैं, कुछ तो हो काम। वैसे स्ट्रॉ वगैरह आप बनी बनाई भी ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। तो हेल्पर पे भी नज़र रखेंगे एक कि भाई उसने कितना काम कर दिया। यहाँ पे देखते हैं घास काटने के लिए हेल्पर लग सकता है कि नहीं, ये देखना होगा क्योंकि मैंने पहली बार अभी तक मैंने घास नहीं काटी। और देखते हैं यहाँ पे हेल्पर लग सकता है कि नहीं। उस कोने से ले जाएंगे आगे से, क्योंकि भाई वो सीधा है, ये यार थोड़ा टेढ़ा है इधर से। तो ये वीड्स भी उग गए थे थोड़े से यार, ये देखो बीच में गेहूं भी उगी हुई है, वीट उग गई थी। और अपना दूसरा खेत भी पड़ा हुआ है, तो अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा भाई, ये कैसे काम करता है इसको देखना पड़ेगा। आगे वेट चाहिए वैसे यार इसके, तो ये एक्स से होगा अनफोल्ड। बाकी सब कमांड तो सेम ही है, फोल्ड एक्स बाकी सब सेम ही है, लेकिन यार ये बहुत छोटा है इसका साइज़ भाई, सबसे बड़ा साइज़ यही था। और बी से करेंगे डाउन, और बी से करेंगे इसे ऑन। एक मिनट यार, बीच में से क्यों नहीं काट रहा ये? अच्छा भाई, बीच में से काटने के लिए हमें आगे एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये काट नहीं रहा सही तरीके से। अपने ट्रैक्टर को लेके कहाँ गया, इसने कितनी काट दी, ये तो अभी 8% हुआ है। अपने ट्रैक्टर और था ये, स्टोर में जाके देखता हूँ कि मोवर कहाँ गए, मोवर्स। अच्छा एक तो ये है मशीन, बनी बनाई आती है, इसको देखते हैं एक मिनट। ओके इसमें सब लगा लगाया, चलो एक इसको खरीदते हैं फिर। ओके और भाई मोवर्स इसमें जाएंगे, इसमें मोवर्स है। अच्छा ये आगे लगेगा भाई, ये पीछे लगेगा, तो ये फिर सारी सफाई होगी, तो इसको भी बाय करना पड़ेगा। तो अभी जाता हूँ स्टोर पे, उसको उठा के लाता हूँ सामान को। स्टोर पे एक ट्रैक्टर है, वो उसको उठा लेगा कि नहीं? नहीं वो उठा के लाएगा। अच्छा उसको बाद में लेके जाता हूँ, पहले इस गाड़ी को ले जाता हूँ घास काटने वाले मोवर को। ये है भाई मोवर, 9 मीटर का है ये। क्योंकि वो बीच में से साइड से कट रही है बीच में से, क्योंकि घास मैंने तो कभी काटी नहीं है, आज पहली बार काटने लगा हूँ भाई। धीरे धीरे पता चलता है सब चीज़ों के बारे में। तो मोवर चाहिए, दो चाहिए थे, एक बड़ा पीछे वाला और एक आगे वाला, तो वेट बराबर हो जाएगा, आगे वेट की ज़रूरत नहीं है। इसमें हेल्पर लगेगा नहीं लगेगा ये अभी कंफर्म नहीं है, देखता हूँ वहाँ जाके, शायद हेल्पर लगना तो चाहिए, बाकी देखता हूँ अभी।
अपना वो लगा हुआ हेल्पर, जब उसका टैंक भर जाएगा तो उसे ले जाके साइलो में डाल देंगे सामान को, बाद में भेज देंगे। भाई हाइड्रो कमाल का, ये हार्वेस्टर, सॉरी हार्वेस्टर कमाल का यार, बहुत बढ़िया है। तो ये छोटी सी मशीन है, देखते हैं 9 मीटर की बता रहे हैं, 8-9 मीटर की है, 9 के 12 यानी कि 12-13 फुट की। छोटी सी मशीन है यार, प्यारी सी है, देखो यार स्ट्रॉ, यार मैं तो सोचता इसकी स्ट्रॉ बनेंगी। मैंने पहले अपने पुराने खेत के अंदर वीट लगाई थी तो उसकी स्ट्रॉ बनाई थी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था बेल्स का, तो वो वीट थी और बार्ली थी। इसके लिए एक और चाहिए पुर्जा, आई मीन आगे वाला मोवर, वो नहीं लाएगा। चल भाई इसको हटाता हूँ, इसको बाहर लेके आता हूँ, इसको खोल लूँगा, इसको बंद कर दूँगा और इसको इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है इसको बाहर निकाल देते हैं और इसमें से बाहर आके। और चल भाई चल, कहाँ तक गया, इसमें जाते हैं और इसको देखते हैं लगा के। अच्छा इसके इसके पिछले पहिए काम कर रहे हैं, अच्छा ये भी कंफ्यूजन है भाई, इसके पिछले पहिए काम कर रहे हैं। इसमें इसमें दोनों तरफ की ऑप्शन है क्या, सेलेक्ट कैमरा, हायर वर्कर, टर्न और मूवर। तो इसको करेंगे अनफोल्ड, देखते हैं कितना बड़ा होता है। तो देखा इसमें एक आगे है ऐसे, उसमें चाहिए थे, ये भी उतना ही है और साइज उतना ही है उसका भी। तो इसको करेंगे बी से डाउन, ये हो गए, और बी से करेंगे ऑन, लो भाई चलने लगा। अब देखो अब सारी घास कट रही है, यहाँ पे हेल्पर लगा के देखते हैं, तो ठीक है हेल्पर ने ले लिया, हेल्पर घास काटने लगा, ठीक है भाई हेल्पर घास काट रहा है। और हम चलेंगे पिछले पिछली गाड़ी में अपनी, अगली में और अगली में पिछली, इसी में चलते हैं। चलो ये जब तक घास काट देगा, हेल्पर जे ब्लॉक्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, हेल्पर जे कौन सा है, ये जे, अच्छा ये मैं ही हूँ, वो मेरे से अटक गया थोड़ा सा। तो इसके लिए भाई एक आगे भी चाहिए, वो मैंने ख़रीद तो लिया, उसको लेके आता हूँ उठा के। इसको कर देंगे ई और इसको यहीं पे कर दूँगा टच, यहीं पे खड़ा रहेगा जब तक मैं उसे लाता हूँ उठा के। और एक मिनट, अरे कहाँ गया भाई, कहाँ गया, एक मिनट देख लूँ भाई। ये हो गया 21%, इतना काट दिया इसने, अरे बाप भाई इसने तो इतनी जल्दी इतना पेड़ काट भी दिया। मुझे लगता है टोटल 2 लाख माल ही होगा, अभी तो ये 22% ही हुआ है, इसने आधा तो काट भी दिया। लो भाई ये देखो, ये घास काटने लगा। हाँ यहाँ पर मैं बेल बनाई थी मैंने, लेकिन मैंने फिर डिसेबल कर दी थी, मैंने सोचा था कि मैंने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं उसकी उसकी बना लेंगे, लेकिन सोयाबीन की नहीं बनती, उसके लिए आपको वीट या बार्ली जो भी देखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। वीट से तो बनती है पक्का, मैंने बनाई हुई है, बाकी और किस चीज़ से बनेगी ये देखना होगा। तो हमारे पास सारे टूल हो जाएंगे,
जब तक ये इकट्ठे नहीं होते तब तक भाई देखना पड़ेगा ना क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे टूल, उसके बाद फिर सही काम होगा। उस खेत पे तो एक ही हार्वेस्टर बहुत है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एक ही एक ने ही काम कर दिया भाई इतना सारा। हाँ जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे किसी से, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमें अपनी गाड़ियाँ लेके जानी पड़ेंगी, फिर वो माल ले आके वहाँ छोड़ना पड़ेगा। चल बेटा चल जल्दी कर, स्टोर भी यार एक स्टोर का मोड भी आता है, वहीं लगा लेता हूँ अपने फार्म हाउस पे। तो फटाफट स्टोर में गए, जो सामान लेने लिया और अपना वहीं से उठा लिया। ये लगेगा इसके आगे, तो उसका ऑप्शन कहाँ, यहाँ से ये आगे अटैच होगा, ये आगे लगेगा और वो पीछे लगेगा, तो ये पूरा सेट है मतलब दोनों का, ये दोनों लेने चाहिए इकट्ठे। अगर लेना कभी तो भाई जो दोनों ही लेना, तो इससे दोनों से घास कटेगी। ब्लॉक्ड बाय एन एजेक्ट हेल्पर जे, हेल्पर जे कहाँ अटक गया, कहाँ हेल्पर जे, अरे वो उससे फंस गया भाई, वो मैंने रखा था ना वो उसी से फंस गया घास काटने वाले से। अभी आया भी आया, रुक गया दो मिनट, एक दो मिनट भाई दो मिनट। चल ये हो गया इसका काम, इसको अब अनफोल्ड करता हूँ और इसको यहाँ लगाता हूँ बीच में। वैसे करेंगे बी, बी से ऑन, बी से डाउन और बी से कर देंगे ऑन और हेल्पर लगा देंगे। ये क्या, अच्छा अच्छा आगे वाला भी नीचे करना था, आगे वाला भी नीचे करना पड़ेगा अलग से और पीछे वाला अलग से, तो वो सिलेक्शन करके जी से, तो हेल्पर ने अपने आप कर लिया, हमें हमने नहीं किया था क्योंकि उसको भी करना पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ें करने से सब पता लगती हैं। अब ये हमारे हेल्पर लग गए हैं, अब हम चलेंगे भाई अपने सीडर के पास, क्योंकि गलत लग गई यार फसल, सोयाबीन तो ऐसे उगा लिया, अब हम वीट उगाएंगे यहाँ पर। तो अपना ये सारा मामला पूरा इसमें, और वो भी है ये ट्रैक्टर कैसे खड़ा बीच में, अरे मैंने उसे अभी लेके गया था। इसे यहीं खड़ा कर देंगे वापस। भाई साइलो भी हमारी 4000 किलो है इसमें कैपेसिटी, अभी वो काट रहा है तो जब तक इसको लगा दूंगा ये फटाफट, क्योंकि अभी लाइम की ज़रूरत तो नहीं है, देख लेता हूँ एक बार।
नहीं अभी तो कोई लाइम की जरूरत नहीं दिखा रहा। चलो फिर इसको लगाता हूँ उस कोने से। ये ढक्कन कैसे खोलेंगे इसके? चलो वीट लगाते हैं यार, कल कल वो तो फटाफट एक दिन में पक जाएगी। फसल पकानी इसमें कौन सा मुश्किल है भाई, यूँ चुटकी बजाओ टाइम आगे कर दो। भाई इसको थोड़ा दूर से ले आना पड़ेगा, थोड़ा इसको खोल लेंगे एक बार। गाड़ी आ रही है, इसको जाने देंगे भाई पहले। इसको सीधा कर लेंगे एकदम। आ जाए देखता हूँ। और इसको कर लेंगे सीधा, और इसको करेंगे बी से नीचे, बी से करेंगे ऑन, और इसको दबा देंगे बटन। ओह सॉरी 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 भाई, बी सेलेक्ट गलत है देखो। तो पहले बंद करेंगे, पहले आप भाई बीच का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखो मैंने अभी ये कर दिया था सिलेक्ट, एक मिनट पहले इसको बंद करेंगे बी से, और बी सेलेक्ट करेंगे F1 से, ठीक है। वाई दबाएंगे तो ये आ गया वीट। अभी मैंने घास उगा देनी थी तो ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, बहुत ये हो जाती है गड़बड़ कभी कभी, ध्यान रखना पड़ता है। लो भाई अब दबाएंगे 3 और लगा देंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ लगा देंगे एक हेल्पर, ठीक है। यहाँ भी आ गया हेल्पर एक अपना, हम उतर जाएंगे यहाँ से। और अब हमें अपनी नज़र रखनी है मशीन के ऊपर। हेल्पर जे, हेल्पर जे काम तो कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एच को क्या हो गया? इसको क्या हुआ? इसने क्यों काम बंद कर दिया? आगे वाले को भी करेंगे नीचे, और बी से करेंगे ऑन। भाई ट्रेन आ रही है, एक मिनट उसको जाने देंगे। इसको हेल्पर को क्या हो गया भाई? तो ये लग गया अपना हेल्पर, और हम जाते हैं भाई अपने फटाफट खेत में। और ट्रैक्टर हमारे पास एक खड़ा था फालतू, कहाँ गया ट्रैक्टर? ट्रैक्टर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ट्रैक्टर इसको उतार लेंगे एक, इसको ले चलते हैं। तो कर देंगे अटैचमेंट हटा देंगे इसकी। और हमें चाहिए अभी तो पहले उसको हे बनाना है, वो घास कटी है अभी, उसको फिर हे बनाने के लिए इसको लगाना पड़ेगा भाई। तो कितना बड़ा होता है एक मिनट देखते हैं कितना बड़ा हो जाएगा ये खोल के। ये भी 12-14 मीटर का लग रहा है। चलो इसको अभी यहीं खड़ा करते हैं, अभी तो वो काट रहे हैं अपने। एक बार हार्वेस्टर पर नज़र मारूं भाई कितना हो गया इसका। तो अभी यार 40% ही हुआ है, इतना बड़ा खेत इसने कर भी दिया। स्पीड बहुत है भाई इसकी।
यार इसकी स्ट्रॉ नहीं बनती यार। मुझे तो जो मैं तो 100% श्योर था कि बनेगी, हो जाएगी, बन जाएगी। आई मीन एक मिनट, स्ट्रॉ इज नॉट अवेलेबल फॉर करंट फ्रूट टाइप, यानी कि इस फ्रूट की नहीं बनेगी। चलो फिर हेल्पर लगा देते हैं, ये करेगा अपना काम। और ये देखो इसने घास काट दी है इतनी, और उधर भी घास है, इसको भी लगाते हैं, और वो भी कर रहा है काम। तो चलो फिर अपने उसको लेके आते हैं। कहाँ गया भाई हमारा टूल? चल भाई चल, तो ये लगा रहा वीट। अब वीट वीट से फिर बनाएंगे, अभी पहले ग्रास की बना लेते हैं। ग्रास से बनेगी हे, हे से बनेगी बेल, और फिर उस हे की बेल को पैक कर देंगे तो फिर बन जाएगी साइलेज। तो एक साइलेज, एक स्ट्रॉ और दो हे, इनको मिला के बनेगा टीएमआर फूड। अब वो टीएमआर फूड बनाना है मुझे गाय खरीदने के लिए। और भी फूड होगा गाय का, देखेंगे कौन सा फूड है गाय के लिए, कौन सा खिलाना है। भाई खेत तो आधे से ज़्यादा कट गया, इसमें तो काट ही दिया यार इतनी देर में, हद हो गई यार, बढ़िया काम कर दिया भाई। मैं खुद हैरान था, मैं कहा यार 2000 कैपेसिटी, 2 लाख की कैपेसिटी, क्योंकि आमतौर पे हार्वेस्टर की कैपेसिटी 17000 मैक्सिमम इस गेम में 17000 का हार्वेस्टर है। उसकी स्पीड भी देखो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, देखो कितनी तेज़ चल रहा है भाई, सुपर फास्ट। अब ये काट लेगा, और ये दोनों लगे हुए हैं बस, इसको क्या हुआ? सही है, लगा हुआ लगा हुआ। तो भाई हमारा ये कोना आ गया, इस पर लगाएंगे इसको, अनफोल्ड कर देंगे एक बार, देखते हैं कितना लंबा होता है ये। नहीं थोड़ा और इधर ले आना पड़ेगा, ये थोड़ा खेत भी टेढ़ा है ना यार, खेत भी टेढ़ा है दोस्तों। ले आना ले आना, इसको करेंगे बी से नीचे और बी से ऑन। देखो ये चक्रियाँ से घूमने लगी, अब 3 से चला देंगे इसको, ये देखो अब ये उसको 6 बना देगा। इसमें हेल्पर लग सकता है? हाँ भाई इसमें भी हेल्पर लग गया, ठीक है इसमें भी हेल्पर लग गया है, तो हम उतर जाएंगे, वो ब्लॉक हो गया। तो अब देखते हैं भाई, हमारे सारे ये एफ हेल्पर लगा हुआ है, ये एच लगा हुआ है, ये बी घास अपना, मैं यहाँ पे हूँ, और ये जे और सी आपस में टकराने वाले हैं। इनको देखना पड़ेगा भाई, इनको देखना पड़ेगा कितनी कितनी पास आ गई ये। क्योंकि आपस में टकराएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा इसने यहाँ नहीं काटी, ये थोड़ी सी वो लग गई थी, एक तो ये आ रहा है, दूसरा कहाँ गया? ये तो नई मशीन जो मैं अभी लाया वो है। अच्छा दूसरा ये आ रहा है, ये घास कट जाए एक बार दोनों, फिर वो कर देगा अपना। फिर उसके बाद लाते हैं विंड्रोर, उसकी एक लाइन बना देंगे सीधी सी। अभी वीडियो आधे घंटे का हो गया है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और चलेगा। अच्छा ये इधर से काट रहे ना, इसको उस कोने से लगाना पड़ेगा। ओह ये फंस गया यहाँ पे,
फंस गया। इसको आगे ले चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह गड़बड़ है, इसको भी लैंडस्केपिंग करके सीधा करना पड़ेगा, इसकी लैंडस्केपिंग करनी पड़ेगी भाई। चलो इसको उस कोने में ले चलते हैं, बस 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 बस, बस, बस। इसको लगा देंगे भाई इस कोने में यहाँ पे, और ऐसे दबा देंगे, हेल्पर आ गया। ये भी जगह ऊंची नीची, इसको लैंडस्केपिंग करनी पड़ेगी, इसकी जहाँ जहाँ ऊंची है उसको स्मूथ कर देंगे, तो वो खड्डे नहीं आएंगे फिर, ये फंसेंगे नहीं हमारे गाड़ियाँ, क्योंकि जगह ऊंची नीची है। तो वो अभी काट रहा है घास, तो ये बी ये कर रहा है सीडिंग, ठीक है, ये वीट लगा रहा है, और इसने खेत काट दिया भाई पूरा। इसके ऊपर क्लिक करो तो यार इसके ऊपर जाने की ऑप्शन आती है, पता नहीं वो क्यों नहीं आती, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करो तो आप स्पेस दबाओ तो एंटर हो जाता है, लेकिन ये हो नहीं रहा इससे। लो ये देखो ये हो गई है, ये अब देख बना देगा है, फिर हम इसको विंड रोड से एक लाइन बना के उसकी बेल बना देंगे फटाफट से, आई मीन जितना टाइम लगेगा। लो भाई इसने पूरा खेत काट दिया, अच्छा थोड़ा सा बचा भाई, और देखो अभी सिर्फ 1,20,000 हुआ है सिर्फ भाई, ये 2,00,000 भी कैपेसिटी नहीं है इसकी, यानी कि एक हेडर ये पूरा खेत काटने के लिए बहुत है। 1,20,000 अगर वो हेडर लाता 17,000 वाला, तो वो 17,000 करके कितनी बार आपको माल, फिर उसमें आपका कितना टाइम बचा। अब ये इधर से काटेगा क्या? इधर से काटेगा, मुझे लगता है थोड़ी सी वहाँ पे रहती है वो उस कोने पे, वो कोने को सोच रहा हूँ कोई लैंडस्केपिंग करके उसको रास्ता बना दूँ, क्योंकि वहाँ पे तो कोने पे होती नहीं है ना, वहाँ कटिंग होती है ना वहाँ सीडिंग होती है। इसे क्या हुआ? अच्छा इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम फिनिश हो गया, इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो लो भाई यहाँ पे लगा दूँ हेल्पर एक, तो ये काट देगा जब तक, ठीक है, और जब तक ये सीडिंग भी हो रही है हमारी, वीट लग रहा है ना, वीट, हाँ, तो ये हमारा वीट लग जाएगा। अभी है इसमें 61%, इस हेडर की तो जो इस हार्वेस्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने ही काम कर दिया सारा भाई, इसने काट दिया, इसकी ये थोड़ी सी काट रहा है बस, होने वाला है काम, और ये कर रहा है विंड रोड लाएंगे बाद में जब ये अपना काम फिनिश कर लेगा, क्योंकि अगर इसने क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, वो तो फटाफट उसने इतनी तीन जितनी जितनी इसने काटी है वो एक ही या दो बार में उसकी लाइन बना देगा, क्योंकि उसे टाइम नहीं लगेगा। तो भाई हेल्पर लगे हुए इतने सारे, और हम क्या करते हैं जब तक अपना बेल, क्योंकि पहले मुझे बेल बनानी है, तो उसके लिए सामान लाना पड़ेगा, बेलर लाना पड़ेगा, एक गोल वाला, एक स्क्वायर वाला, दो बेलर चाहिए, और एक उसको पैकिंग करने वाला, यानी कि सैलेज बनाने के लिए उसको पैक करना पड़ेगा, पैक करने के बाद उसकी नमी जो है बीच में ही रुक जाती है, तो वो सैलेज बन जाती है। ये भी फुल
फुल साइज यही है इस गेम में। वैसे आप मोड लगा सकते हो और बड़ा हो तो कोई कोई मिल जाए मोड। मुझे शुरू शुरू में ऐसा लगा था कि ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, यानी कि घास काटना है। आपको सिर्फ बेल बनानी, बेल जो बनानी है वो आपको खुद बनानी पड़ेगी, वो हमें बनानी पड़ती है, वो उसके लिए हेल्पर नहीं लगता। लेकिन मैंने पहले कोशिश करी थी तो लगा नहीं। ये देखो चक्रियाँ सी घास को, देखा होगा आपने पार्क वगैरह में अक्सर ये घास काटते हैं, फिर उसको मशीन से ऐसे ऐसे बना देते हैं। तो ये भी वही सिस्टम है। दूसरे को देख लेते, इसका कितना हो गया भाई? इसका हो गया 130,000, 65,000। ये तो कटने वाला, इसे ले जाएंगे भाई सीधा अपने जाके साइलो के अंदर ही डाल देंगे। और अब मैंने वीट लगा दी है, वीट के बाद ही भाई बनेगी स्ट्रॉ। मैं सोचा था इसकी बनेगी, भाई कुछ करने से ही पता लगता है कि क्या होता है, बिना कुछ करे कुछ नहीं पता चलता कि क्या किस चीज़ से क्या होता है। काट दे काट दे काट दे काट दे, ये खेत ज़रा ज़्यादा फालतू बन गया था। अब क्या कर रहा है, ये घूमेगा। चलो यार इसको करते हैं डिसमिस, इसको खुद ही काट लेते हैं। तो बहुत घुमा, ये हेल्पर बहुत ज़्यादा ही घुमाते रहते हैं। पीछे 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 पीछे, तो भाई इसको करके वी से नीचे। अरे ऑन हो गया ना, बस ये तो हो गया, दो तीन बार का काम हो रहा है। अरे यार वो हेल्पर फंस गए आपस में, इसको कर दूंगा बंद। का काम हो गया, घास हमारी कट चुकी है और एक और खेत था पल्ली तरफ, उसमें भी घास लगी है। हाँ इसमें भी घास थी ना, इसको ये काट देगा आराम से अकेला। इतना फील्ड है वो कहाँ से, सही यही है फील्ड। ये यहाँ पे है कोना, तो यहाँ लगा देंगे हेल्पर, ये घास काट देगा अपनी सारी। इसका काम फिनिश हो गया, इसका काम फिनिश हो गया। चलो इसको करो फिर होल्ड। लो ये तो घास कट गई सारी, अब इसको ले जाएंगे वापस। चलो भाई थोड़ी सी बची, इसको काट के ले चलो, इसको फिनिश कर दो इसको फटाफट।
देख कोना बचा है थोड़ा सा बस। इसका काम तो हो गया फिनिश, इसको ले चलते हैं अब ऐसे ही पास ही है खेत, हेडर वहीं पे जाके उतार देंगे, बस कोई गाड़ी ना आ जाए सामने से। हेडर कमाल है यार, हार्वेस्टर कमाल है, पूरा खेत काट के दिया है भाई अकेला ही, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना किसी गाड़ी की, ट्रैक्टर की, ट्रॉली की, नो नीड। इससे कॉन्ट्रैक्ट लेने में मज़ा आएगा, बड़े बड़े ऐसे दो एक दो ले लो और भाई फटाफट से अपना लो भाई 1,25,30,000 किलो सोयाबीन हमारा इकट्ठा हो गया। मैं सोचता था 2,00,000 से ज़्यादा होगा, यार 2,00,000 भी नहीं हुआ। चलो भाई चलो, अरे पी से और सलाम करो इसको, यहाँ से लेगा। ये क्या हुआ, अच्छा वो दूर है अभी, वो दूर है अभी, वो लेगा नहीं भाई इतनी दूर, पास लाना पड़ेगा। चलो वही हो गया, इसको कर देंगे बंद, इसको करेंगे इसमें बैठ के, इसको कर देंगे फोल्ड कर देंगे भाई इसको, और इसको यहाँ पे कर देंगे जी दबाएंगे, और इसको कर देंगे एक्से को अनफोल्ड, और नीचे कर देंगे और इसको डिटैच कर देंगे, ठीक है भाई, बस ऐसे ही काम करता है भाई ये। चलो अब आओ आराम से आराम से, चले चलते हैं आप। अरे ये क्या हुआ, ये ऐसे लगा के तो खड़ा नहीं होगा ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये यहीं पे घुस जाएगा। चलो अब इसको लेके चलते हैं, इसके पिछले पहिए काम करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन सा है इसमें, ये मुड़ेगा किधर को, क्योंकि इसके अगले नहीं पिछले पर ये काम करते हैं। वैसे तो ऐसे अंदर से ठीक है देखने में, पर बाहर से कंफ्यूजन है थोड़ा सा। चल भाई चल मूवर फटाफट, ये इतने सारे मोड़ लगाने के बाद थोड़ी सी गेम रुकने लगी है, हल्की हल्की, पता नहीं या तो फिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है।
यार ये मोड भी तो ऐसे होते हैं, इसमें पता नहीं वायरस हो क्या हुआ भाई, ये तो पता नहीं है, वायरस भी हो सकते हैं दोस्तों। अब कौन क्या बनाता है, ये तो हम मोड अपनी, तभी तो गेम वाले मोड क्यों नहीं देते, वो कहते हैं भाई अपने रिस्क पे लगाओ मोड, क्यों हम नहीं देंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है इनके अंदर। तो भाई इसे घास काट के आए, ये बहुत गंदा हो गया, फटाफट इसको कर देंगे साफ। देखो घास काटनी कौन सा आसान है, कहना ही आसान है कि घास काटनी आसान होती है, देखो कितनी मुश्किल है। लो भाई चमक गई अपनी मशीन, ये भी लेनी पड़ी, चलो दो से काम फटाफट हो जाता। चल भाई इसे लगा दो फटाफट, इसको यहीं पे लगा देता हूँ सामने। अरे अरे यार ये कन्फ्यूज़न वाली है वाकई ये तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको उल्टा मोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगले भैया ना इसको आगे से ऐसे चलाओ देख के तो सही चलेगी, क्योंकि इसका कंट्रोल आगे से है। चलो भाई इसे यहीं करूँगा खड़ी और इस ट्रैक्टर में जाऊँगा फटाफट। चल बेटा चल, और भाई से लेके चलना है विंड रोड से उसको, इसको भी तो चलाना है आज। विंड रोड कहाँ गया रे, अरे किधर है, अच्छा उधर है। ये लिया था मैंने डबल, इसमें डबल पहिए लगे हैं ताकि भाई ये है प्लोइंग वगैरह करने के लिए, पीछे से तगड़ा सा ट्रैक्टर सही होता ना, तो लगाते हैं इसको विंड रोर को, घास करेगा इकट्ठी, देखते हैं आज ये कैसे काम करता है भाई। इसको लगा देंगे क्रूज मोड पे, अभी सुबह का टाइम हुआ 8 ही बजे भाई, अभी तो काफ़ी काम कर लिए। फॉरम ही बचता भाई इसमें, ऐसे अगर आपको हे, पहले आपको हे नहीं बनानी तो आप घास की ड्रैक्ट भी बना सकते हो पहले, यानी कि इससे करो उसको इकट्ठा और घास की बन जाएगी, वो भी काम आती है। इसको भाई अनफोल्ड कर देंगे एक बार, अरे यार जगह बहुत ऊँची नीची है, ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, देखते हैं यार कितना बड़ा है ये। अभी वो कहाँ पहुँचा हमारा बंदा, ये तो घास अभी काट रहा है, आधा कटा है, और ये पता नहीं कहाँ पहुँचा, अभी नज़र ही नहीं आ रहा, और पीछे वाला लग रहा है सीडिंग में, ये क्या हुआ। अच्छा अच्छा इतना ही है भाई ये, तो ये इसका साइज इतना ही है, अभी देखते हैं कितना कितना बनाएगा ये, इसको लगाएंगे उधर से, तो इसको करेंगे बी से ऑन, तो ये देख रहे हैं ये ऐसे बनाएगा इसको, ठीक है भाई। अभी हमारी बन जाएगी बेल इसकी हे की, अगर हे नहीं बनानी, यानी कि वो मशीन का नाम है टेडलर क्या है, उसको मत चलाओ जैसे वो घास काट रहे हैं ना दूसरे खेत में, इसको ले जाओ विंड रोड को, वहाँ पे घास को इकट्ठा करो और घास की स्क्वायर बेल बना दो, तो वो भी काम आएगी गाय को खिलाने के लिए। यहाँ पर हेल्पर लग जाएगा क्या, हाँ भाई यहाँ पर भी हेल्पर, इसमें भी हेल्पर काम कर रहा है, इसमें भी हेल्पर काम कर रहा है, इसमें भी हेल्पर लगा, तो ये 1 2 3 4 हेल्पर ये घास ये कर रहा है उसको, इसको भी टाइम लगेगा, तो
तो जब तक ये इसको काटेगा ये कर देगा, इसकी बना देंगे ग्रास की, इसकी बना देंगे हे की, तो ये हे बेल बन जाएगी इसकी, और इसकी बन जाएगी ग्रास ग्रास की, और फिर इसकी बनाएंगे कल भाई दूसरी। तो बेल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, उनको इकट्ठा करना रखना मेन काम है। बेल में भी बहुत पैसा है, आप बेच भी सकते हो उनको, बेल बना बना के अपनी खेती से भी पैसा कमाओ और भाई अपनी बेल भी बेचो। तो चलो भाई ये था आज का वीडियो, ये बनेगा ऐसे। अब मैं इसकी बनाऊंगा फिर बेल, उसका वीडियो फिर आपको कल दिखाऊंगा। तो इसको मैं यहीं पे करता हूँ बंद, क्योंकि भाई ये हो गया 50 मिनट का। भाई कोशिश तो करता हूँ छोटा बनाऊँ यार, लेकिन अब क्या करूँ हो जाता है बड़ा, अब कोशिश तो यही रहती है कि छोटा बने। तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। इसने एक लाइन बना दी, अब इस एक लाइन की मुश्किल से दो या तीन बेल बनेंगी। ये देख, ये करती है चकरियाँ ऐसे काम, ये सारी घास को हवा से मार मार के उसको वो रोटेट हो रही हैं और इसको घूम के इकट्ठा कर रही हैं। चलिए दोस्तों ये था आज का गेम प्ले, आपको कैसा लगा यार? तो फिर और कुछ भी, अभी काफ़ी कुछ सीखना है इसमें, थोड़ा बहुत अभी रह गया, फिर मैं जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताता रहूँगा आगे आगे, आप देखते रहेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने आपको अभी से जितने भी वीडियो अभी तक बनाए हैं उनमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे क्या होगा, खेती बीज लगाना है, प्लॉइंग करनी है, ये सब कुछ बताया मैंने अभी तक। और अब बची थी हमारे पास ये बेल का काम, तो ये बेल का काम, एक सेकंड यार एक चीज़ रह गई थी मैंने आपको दिखानी थी, ये तो हो गया मोवर, और ये हाँ इसको बोलते हैं टेडर्स, ये जो वो घास को हे बना रहा है और ये है टेडर। ए टेडर टर्न्स ग्रास अराउंड सो इट कैन ड्राई फास्टर, ठीक है ना, वो उसको सुखा देता है जल्दी की बढ़िया वजह से। तो ये हमने लिया है ये वाला 13 मीटर का, ये पोटिंगर का पोटिंजर, और ये है भाई 6 मीटर, तो ये इसको बोलते हैं टेडर, मैं इसका नाम भूल गया था, टेडलर मुझे लग रहा था कि टेडलर है। तो चलो ये लाइन लगा दी हम इसकी, कल इसको सेव करके वीडियो बनाऊँगा इसका, फिर आपको कल दिखाऊँगा इसकी बेल बना के हे वाली पैकिंग कैसे करनी है, और उसकी बनाएंगे ग्रास की। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही बस। चलिए ये गेम प्ले आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाई, और वीडियो को कर देना शेयर दोस्तों के साथ, हो जाए तो किसी और के काम आ जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा भाई उसको, अगर वो गेम खेलता है ये वाली तो उसे भी कुछ देखने को मिलेगा। और भाई मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखिए, खाएँ पिए स्वस्थ रहें और एकदम मस्त रहें, बाय बाय दोस्तों। चलो भाई बंद कर दो।